छत्तीसगढ़ में ईडी ने मंगलवार सुबह सूबे के कई जिलों में छापा मारा। ईडी की टीम ने रायपुर, भिलाई, दुर्ग, महासमुंद, रायगढ़ में आईएएस अफसर, सीएस सहित नेताओं के यहां रेड मारी। ईडी की छापेमारी के बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज शर्मसार हुआ है। 25 रूपये प्रति टन कोयला का की वसूली हो रही है, यह सरकार जाने वाली है। तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र हैं। डॉक्टर रमन सिंह को कैसे पता चला कि ईडी की कार्रवाई में क्या क्या हासिल होने वाला है? रमन सिंह मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, इसका आधार क्या है? रमन सिंह को स्पष्ट करना चाहिए। वो कोयला में 25 रूपये कमा रहा है तो कौन से बीजेपी खाते है? रेत में यदि खुलेआम अवैध वसूली हो रही कौन बीजेपी को पैसा देता है? शराब में 30% की खुलेआम अवैध कमाई कर रहा है कौन बीजेपी का एक नाम बता दो। कोई एक छोटा सा बंदा भी की शराब के 30% के अवैध बिक्री में कोई 1 रूपया ले रहा है, रेत में कोई ले रहा है, कोयले में ले रहा है, नाम तो बताओ भूपेश जी, उनका नाम बताओ ना कि कोयला में कौन खा रहा है, रेत में कौन खा रहा है, शराब में कौन खा रहा है। जबरदस्ती की बात करते हो और यदि कोई आपके साथ जुड़ा है तो उसका नाम हमको बताइए। रमन सिंह के बयानों से यह साफ हो गया कि छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है। आखिर डॉक्टर रमन सिंह जी को यह कैसे पता चला कि ईडी की कार्रवाई में क्या क्या हासिल होने वाला है? अभी ईडी की कार्रवाई पूरी हुई नहीं है, तो डॉक्टर रमन सिंह जी इस प्रकार के जो मनगढ़ंत चीजें सामने ला रहे हैं उसका आधार क्या है उन्हें वह स्पष्ट करना।